ये ना अभी जो है जगह दूसरा काबू ड्रामा हो गया है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज का व्लॉग जो है आपको मिलने वाला है कोला बीच की तरफ से। तो आज अभी शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं कोला बीच की क्लिफ पे, तो वहाँ पे हवा बहुत अच्छी लगती है, तो देखेंगे कैसा है उधर का माहौल, क्या हो रखा है। गए नहीं एक्चुअल में बहुत दिनों से उधर। और काफी दिन पहले गए थे जब तो नीचे काइकिंग भी चालू थी। हाँ, तब तो करके आए थे, अभी भी पता करेंगे काइकिंग वगैरह चालू है कि नहीं है। हाँ। और जो भी अपडेट होगा आपको बता देंगे। बाकी आज हम काइकिंग नहीं करने वाले हैं। हाँ। सिर्फ क्लिफ तक ही जा रहे हैं। हाँ, बट नीचे अगर उतरने का हुआ तो जाके देखेंगे जरूर उधर भी। ये रास्ता बहुत कंजेस्टेड है यहाँ पे ना। हाँ, मतलब या तो उसको रोकना पड़ेगा या हमें रोकना पड़ेगा। मैं पीछे ले रहा था इसलिए। हाँ, भाई साहब ये गाड़ी है ना 800, कहीं भी जाती है कहीं भी। ये ना 4x4 भी फेल है इसके सामने, किसी भी रास्ते पे निकल जाती है। हाँ हाँ, बच जाएगी उससे, तो बच गई ना। हाँ, गाड़ी में हवा कम है अपने टायरों में, मुझे पता चल गया। जैसी ही इस पाई ऑफ रोडिंग में ना हवा का एकदम पता चलता है, गाड़ी इधर उधर भागती है। हमें डलवा के लानी चाहिए थी। चलो डलवा लेंगे हम चल के। तो रास्ता स्टिल मतलब बेटर होने की बजाय गंदा तो रहेगा ही है, क्योंकि इस पे अभी ट्रैफिक बहुत हो गया ना। हाँ, बहुत लोग जाते हैं, तो हवा तो अच्छी चल रही है यहाँ पे, हवा बहुत प्यारी लग रही है। बट अभी यहाँ का माहौल दिखाता हूँ कैसा हो रखा है। पहले ना बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, अभी देखो पार्किंग इधर से देखो और उधर तक पार्किंग पार्किंग लगी पड़ी है सारे में। बाकी ये सामने सी है इस तरह से। यूजुअली इवनिंग में यहाँ पे आके बैठते थे और बहुत शांति रहती थी पहले, बट अभी तो पूरा क्राउड है इधर की तरफ। ये नीचे का व्यू है कुछ, देन ये इस साइड पूरी पार्किंग ही पार्किंग है चारों तरफ। ये मुझे लग रहा है गाड़ियों का मेला लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। बाकी सबसे ज़्यादा जो गंदी चीज़ है वो ये हो रही है इधर की तरफ, जितना भी कूड़ा है सब वो यहाँ छोड़ के जो जाते हैं, वो बहुत गंदा है। पीछे तक ऐसी पड़ा हुआ है सारे में यहाँ पे, मतलब बुरा हाल हो गया इस जगह का भी। बाकी इधर की तरफ का माहौल कुछ ऐसा हो रखा है। ये अभी क्लिफ है, नीचे की तरफ चलते हैं एक बार देख कर आते हैं, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ हैं सब इनके जो भी सवारियाँ होंगी वो नीचे ही मिलेंगी। अब मैं हो करता हूँ, तुम तो जाओगे नहीं, दोनों मना कर रहे हैं। 50+ व्हीकल है पर हवा अच्छी लग रही है यहाँ पे फिर भी। 50+ व्हीकल है, मैंने काउंट करे हैं, 32 तो फोर व्हीलर ही है और बाकी कुछ 20 अभी तक वो स्कूटियाँ। ठीक है, तो ये आ चुके हैं अभी नीचे, हाई टाइड हो रखा है, काफ़ी क्राउड है इधर की तरफ। बाकी ये है इधर की तरफ काइकिंग वाला एरिया ब्लू लगून, इधर काइकिंग पे तो पूरी अच्छी वाली भीड़ लगी हुई है। थोड़ा सा भी पानी कम है और थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया। तो अगर काइकिंग करना है तो ये बैक वाटर में यहाँ पे बेस्ट प्लेस है। बाकी आगे की तरफ यहाँ पे छोटा सा बीच है, बहुत बड़ा बीच नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे स्विमिंग वगैरह रिकमेंड नहीं है, अलाउड भी नहीं है। अगर आप इधर जाते हो स्विमिंग वगैरह तो यहाँ पे बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि पत्थर बहुत है। बाकी ये वाला स्टे का ऑप्शन ये बंद हो चुका है, क्लोज कर दिया इन्होंने वाइंड अप। इधर की तरफ वाला शायद कुछ खुला है कुछ बंद है, 20 सेक वगैरह उसकी खुली है या बंद खुली है अभी,
बट इधर वाला जो है ये पूरा इन्होंने वाइंड अप कर दिया, इन्होंने बीच स्नैक वगैरह रेस्टो वगैरह सारा कुछ बंद कर दिया। एक आगे उधर की तरफ कोने में कुछ है खाने के लिए अगर कोई जैसे चाहता है तो वो भी शायद वाइंड अप वगैरह कर रहे हैं, सीढ़ी उड़ी लगा रखी है उन्होंने। जो ये भाई साहब कर रहे हैं ये बहुत रिस्की है क्योंकि ये पत्थर से पैर फिसला या वेव तेज आई ना तो एकदम नीचे गिर सकते हैं, चोट लग जाती है जिससे क्या बहुत ज़्यादा, और ये पैर काट देता है पत्थर, बहुत नुकीला होता है क्योंकि हाई टाइड है तो वेव थोड़ी तेज है, आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। अभी चलते हैं ऊपर क्योंकि नीचे ना गर्मी भी है, यहाँ पर थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है नीचे की तरफ। तो अभी तो क्राउड ना आना शुरू हुआ है यहाँ पे, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, 6 बजे के बाद अच्छा वाला क्राउड आता है। अभी स्कूटर और गाड़ियाँ आनी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, और नीचे का क्राउड भी मतलब नीचे काफ़ी है। अच्छा। हाँ अभी तो खैर आधा ऊपर आ गया आधा नीचे है। तो लास्ट ईयर ना जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो हार्डली हमारे अलावा 2 या 3 व्हीकल और होते थे और हरविंदर ऐसे मस्त यहाँ से भगा के गाड़ी मोड़ के वापस खड़ी करते थे। आज तो ओह माय गॉड देख के आई वाज शॉक्ड, मतलब रास्ते से गाड़ियाँ पार्क होती हुई दिख रही थी तो हमें लगा किसी को पता नहीं होगा तो जिधर पार्किंग दिखी पीछे पार्क करके चले गए, लेकिन अभी पता चला इधर तो भरा पड़ा है। मैं सोचा था एक दो रील बनाऊंगा गाड़ी की, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, यहाँ पे कुछ अच्छी रीलें बनाएंगे, आइसोलेटेड जगह है, बट आज अभी कुछ नहीं बनाना, अभी चलेंगे जल्दी बस यहाँ से। और कूड़ा गंदगी बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम पे यहाँ पे, जो मतलब पहले नहीं देखने को मिलती थी। पहली क्लिप में अगर आपको दिखाऊंगा तो आप सॉक्ड हो गए कि ये वही जगह है जो पहले थी। तो गाड़ी यहाँ से सी का मतलब बहुत ही शानदार व्यू होता है, मुझे तो गाड़ी का व्यू ही काफी है। अच्छा, और गाड़ी करते हैं अपनी यहाँ पार्क धूप में। तो ये भी एक साउथ गोवा की ना बेस्ट लोकेशन में से एक है, कोला बीच क्लिफ। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, पहले कोई नहीं आता था, अभी ये सबको पता चल गया है कि यहाँ पे भाई ये स्पेस है और यहाँ पे शाम में जाओ एंजॉय करो। ये देखो उधर से और यहाँ तक ना सब सनसेट देखने के लिए बैठे हुए हैं। अभी सन छिपने में थोड़ा सा टाइम है, 6:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। मतलब जो सोच के आए थे वो मज़ा से नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी तो ना गाड़ियाँ आने पे हैं यहाँ पे काफ़ी, मतलब आए जा रही थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो फिलहाल निकलते हैं। ये ना अभी जो है जगह दूसरा काबूदरामा हो गया है। हाँ, और बिल्कुल उससे भी ज़्यादा। वो देखो उधर से हो रही, इस रास्ते से आ रही है सारी, है ना। हाँ। कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ एक्चुअली काबूदरामा पे क्या है ना, वहाँ पे ये डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा रखा हुआ, और वो जितना भी कूड़ा है ना सब वहीं फेंक जाते हैं, लेके कोई नहीं जाता। मैं एक ही चीज कहती हूँ हमेशा हर जगह के लिए, हर टूरिस्ट प्लेस के लिए, कि जब आप भरी बोतल ला सकते हो तो खाली भी तो ले जा सकते हो। देखो इसका एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, हमारी ये अभी इतनी सारी खाली बॉटल्स रखी है क्योंकि हम बाहर कभी बॉटल नहीं फेंकते, हमारी बॉटल खाली हो गई तो हम अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, जाके भाई फिर स्क्रैप में फेंक देते हैं, उसको जो स्क्रैप वाला आता है उसको दे देते हैं। तो इतनी तो कॉमन सेंस है, और हम सब इंसान ही है, जानवर तो है नहीं। तो ये देखो मेरे पीछे जो जगह है कितनी साफ सुथरी है, ऐसा होता था कभी मतलब ये जो जगह होती थी। हाँ। और अभी तो अलग ही लेवल पे हो रखा है। खैर चलो भीड़ कितनी भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टूरिस्ट है आएंगे भी, और फिर लोकल का इधर बिजनेस भी चल रहा है वो भी चलेगा, लेकिन जो गंदगी हो रही है ना वो बहुत ज्यादा वो लग रही है। मतलब ये जैसे मैं बताया ना सेकंड काबूदरामा होने वाला है, बिल्कुल उसकी तरह ही जैसे वहाँ पे पार्किंग लगी रहती है, शाम में इतना क्राउड होता है काबूदरामा पे बहुत ज़्यादा, सेम इधर का है अब। एंड अभी क्लीनिंग का कोई हिसाब है नहीं। हाँ वो यहाँ पे एक्चुअली डस्टबिन वगैरह रखे जाने चाहिए जो नहीं है इधर की तरफ, काबूदरामा पे वो सब चीज़ें हैं अभी भी। हाँ। तो हम सोच के तो ये गए थे कि अभी आज क्लिप पे बैठेंगे आराम से, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, इतना क्राउड होगा नहीं शायद, लेकिन होने लगा। हाँ कि धीरे धीरे जैसे अगोंडा बीच साइड उधर की तरफ बहुत कम क्राउड है, लेकिन शाम में यहाँ पे अभी तो गाड़ियाँ आ ही रही थी, तो हमने सोचा कि चलो निकल लेते हैं भाई, गाड़ियाँ ये तो आती रहेंगी और भीड़ भी बढ़ती जाती है और थोड़ी देर बाद। हाँ। तो जितनी देर हमें रुकना था रुक गए और फिर आ गए उसके बाद में। एंड अभी ये कंडीशन है, कोला बीच भी मैंने थोड़ा आपको इसमें दिखाया, बाकी इधर की तरफ कोई आ रहा है तो भाई ये सोच के आना कि अभी अच्छा वाला क्राउड मिल रहा है कोला बीच पे। शाम में तो मतलब सनसेट के टाइम आपको खूब भीड़ मिलेगी। एंड होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, बाकी कूड़ा अगर कहीं पे ना फैलाए कोई तो बहुत अच्छा रहेगा, वो अपने नेचर के लिए भी और सबके लिए। मतलब अगर आप एज अ इंडिविजुअल
कूड़ा नहीं, दूसरों का मत समेटो, उसको कोई नहीं कह रहा, लेकिन अपना मत फैलाओ तो उतना ही काफी होता है। बिल्कुल, तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।